हाय फोक्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ बरेली के कुछ बढ़िया फूड पॉइंट्स। बरेली का उत्पम, बरेली का डोसा, बरेली का लस्सी, बरेली की कुल्फी, ये चार चीज़ें एक ही व्लॉग में। छोटा सा व्लॉग है, एंड तक बने रहना, कोई कमी लगे तो मुझे बताना। ये मेरे मित्र हैं, शर्मा रहे हैं। जैसा कि आपने इंट्रो में देख लिया, तो आपको सबसे पहले बताऊं, आप बरेली में कहीं से भी आओगे तो बरेली में एक ही मॉल है, उस मॉल का नाम है फिनिक्स। फिनिक्स में जाओगे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि मैदा वाली चीज़ें जैसे पिज्ज़ा हो गया, नूडल्स हो गई, मैगी हो गई, बर्गर वगैरह खाने से अच्छा है डोसा प्लेनेट में। फिनिक्स में आप इडली सांभर, जिसमें सांभर में बहुत सारी सब्जियां पड़ती हैं, डोसा में आपको राइस से बनता है या रवा से बनता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि डोसा ट्राई करो, इडली, फ्राइड इडली ट्राई करो, उत्पम ट्राई करो। ये सब चीज़ें हेल्दी भी मिलेंगी आपको। मैंने ट्राई किया था उत्पम और फ्राइड इडली, इससे पहले भी जब फिनिक्स गए थे डोसा वोसा भी ट्राई कर चुके हैं, और इस बार उत्पम पहली बार ट्राई किया था। 130 या 140 का था, और फ्राइड इडली थी 130 की, वो भी थी। तो ये फिनिक्स में डोसा प्लेनेट का उत्पम और फ्राइड इडली। लोकेशन नंबर 2 में आपको मैं दिखाने वाला हूँ अग्रवाल लस्सी। एक्चुअली में हुआ यह था कि मेरे जो बगल में भैया रहते हैं, उनके साथ मैं गया था बरेली का वन ऑफ द बेस्ट मैंगो शेक पीने, जो कि फिनिक्स मॉल के अपोजिट में आपको दिल्ली जूस कॉर्नर के नाम से एक शॉप है, वहाँ पर आपको मिलेगा। तो वहाँ गए थे तो वो शॉप उस दिन बंद थी, तो उसकी वजह से फिर हम लोग डेला पीर की तरफ जब जाते हैं तो आपको एक अग्रवाल लस्सी, वो भी दुकान अभी इस वाली ब्रांच को 1-2 साल ही हुए हैं, लेकिन जो इसकी ओरिजिनल ब्रांच है वो काफ़ी पुरानी है, वो आपको आयुब खाप पर मिलेगी। मैंने ट्राई की थी वहाँ पर लस्सी, अगली बार वहाँ पर कोल्ड कॉफ़ी भी ट्राई करने का प्लान है जब भी जाएंगे। बरेली का बेस्ट मैंगो शेक सुना है ऐसा, फिनिक्स के सामने मिलता है, जाके देखते हैं, बताते हैं। बंद है मज़ा नहीं आएगा। तो फिनिक्स के सामने का दिल्ली जूस कॉर्नर जहाँ मैंगो शेक पीने का प्लान था वो कैंसिल हो गया, मतलब बंद था, फिर आ गए अग्रवाल। मुआवजा नहीं डालते कि तो डस्टबिन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो ताकि बीमारियाँ कम फैलें, मक्खियाँ कम उड़ें, मच्छर कम हो। कल है मेरा एग्ज़ाम तो दूध ले लेते हैं। 10 से 10 है इनकी टाइमिंग, और ये वाली जो ब्रांच है इन्हें 1.5 साल हुई है अभी खुले हुए, और जो ओल्ड ब्रांच है वो है सिलेक्शन पॉइंट चौराहे के पास में, तो वहाँ पर जाकर भी आप आनंद ले सकते हैं लस्सी का। तो ये है अपना दूध, ये है अपनी कॉफ़ी, ये है अपना फ्रॉथर। इतना रख देंगे कूलर के ऊपर कल सुबह के लिए। अलग अलग सॉक्स पहनने में अलग ही मज़ा है। उसके बाद आपको मैं बताऊं कि पटेल नगर में पिछली बार आपने देखा था मैंने मसाला डोसा ट्राई किया था, इस बार मैं गया था पटेल नगर तो मैंने ट्राई किया मैसूर डोसा। मसाला डोसा वहाँ पे 70 या 80 का है, और उसके बाद वहाँ पर मैसूर डोसा है 90 का। 90 रुपीज़ के डोसे में मुझे काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि बरेली में बहुत कम ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर अच्छा डोसा ऑथेंटिक टेस्ट साउथ इंडियन लोग बनाते होंगे तो ही ऑथेंटिक टेस्ट मिलता है। कोकोनट चटनी में भी बढ़िया स्वाद था, सांभर में भी ओरिजिनल टेस्ट था। तो अब हम आ गए पटेल नगर में डेला पीर के पास में, दर्शन डोसा, मैसूर डोसा ट्राई करेंगे आज। उसके बाद मैं आपको बताऊं, बरेली में रहते हो तो दीनानाथ का नाम सुना होगा, दीनानाथ की लस्सी तो बहुत फेमस है, और लेकिन इस बार मैंने दीनानाथ की कुल्फी ट्राई की फालूदा, उसकी प्राइस थी 70 या 65 के आसपास। दीनानाथ की जो ओरिजिनल ब्रांच है वो तो अप्रॉक्स 45 ईयर्स पुरानी है, लेकिन जिस रेस्टोरेंट दीनानाथ पे मैं गया था वो 26 साल पुराना है, ऐसा वहाँ के शॉपकीपर ने मुझे बताया। सिलेक्शन पॉइंट चौराहे के पास में है ये दीनानाथ।
ज़्यादा बंद करवा दो। अरे तो और फेमस कर देंगे तुम्हारे लिए। फालतू और डाल दो। क्या नाम है आपका? कालीचरण। कालीचरण फोटो वीडियो वाले दिना क्या हो गया, तो 22 इयर्स हो गए और जो मून वाला है उसको हो गए 42 इयर्स। टाइमिंग है ऐसा इन्होंने बताया कि 7 बजे से सुबह से रात को 11 बजे तक। जब है दीनानाथ सिलेक्शन पॉइंट और है के पास में, इधर टेम्पटेशंस बैटरी बेकरी और कैफे। पिछले लॉकडाउन में या एक साल पहले यहाँ का भी डोसा ट्राई कर चुके हैं, वीडियो भी पड़ा होगा। यह वेस्टर्न फास्ट फूड, गुरु नानक द मास्टर्स बेकर, फिर आता है ये सिलेक्शन पॉइंट चौराहा। ये जोमेटो साइकिल वाला, इन लोगों की जब ये तुम्हारी तरफ आया करे तो इनको थोड़ा पानी वानी पिला दिया करो। उसके बाद GRM स्कूल के पास में पोथीराम, वहाँ पे मैंने मिस्सी रोटी के साथ वो अचार देते हैं और छोला देते हैं और दाल मखनी देते हैं। इसकी प्राइस थी केवल 40 रुपये में 2 मिस्सी रोटी, तो इसकी वो बढ़िया थी। उसके बाद वहीं पे मैंने कचौड़ी खाई। मैं कचौड़ी लवर, मुझे मैदा से थोड़ी नफरत है, तो मुझे पसंद नहीं आई कचौड़ी। ये 30 साल पुरानी शॉप है और 9 से 4 इसकी टाइमिंग है। तो ये 10 रुपये का बूंदी रायता कबास। तो मित्र ऐसा है ना कि मेरे जो फूड ब्लॉग्स होंगे वो मिस्सी रोटी डोसा के बिना हमेशा अधूरे रहते हैं। तो मैंने शुरू में तो आपको नहीं कहा था कि मिस्सी रोटी भी दिखाऊंगा, लेकिन मिस्सी रोटी अभी आपने देखा ये 40 रुपये प्लेट थी। आपको दिखाते हैं एक और बरेली का फूड पॉइंट, वहाँ का रेट बहुत अफोर्डेबल है। इससे पहले भी जो एक ब्लॉग आया था उसमें भी मैंने उसको कवर किया था, लेकिन इसमें दोबारा गए थे क्योंकि मुझे मिस्सी रोटी खानी थी। तो मिस्सी रोटी का आप देख लो। तो फोक्स ये है मार्वेलिशियस की 135 की फुल दाल, फटे की मिस्सी रोटी। ऊपर से गिरा एक आम, हम काफी खुश हुए इसको देख के, लेकिन जैसे ही मैंने इसको ऐसे उठाया और ऐसे किया तो ये ऐसे निकला, तो फिर इसको वापस ऐसे ही रख दिया। उसके बाद एट लास्ट आप देखोगे बरेली का स्टेशन रोड पे कृष्णा भोजनालय, जहाँ पे मैंने ट्राई किया था पनीर कोरमा, मिस्सी रोटी, तंदूरी रोटी और लास्ट में फ्राइड राइस। फ्राइड राइस मुझे अच्छा नहीं लगा, वहाँ की सर्विस स्टेशन के पास होने की वजह से इतनी भीड़ भाड़ रहती कि उतनी सर्विस भी अच्छी नहीं थी। बरेली में अगर आप जंक्शन आ रहे हो तो जंक्शन से थोड़ा सा दूर पे कृष्णा भोजनालय है, बहुत ही नॉमिनल रेट में अच्छा खाना है। अभी आपको दिखाते हैं। ये है पनीर कोरमा और ये है मिस्सी रोटी। फ्राइड राइस 60 रुपये का, लोगों का सफिशियंट पेट भरा 254 यानी कि 254 में 254। ये हमारे बड़े भैया पेमेंट करते हो। 18-19 साल पुरानी दुकान है, टाइमिंग मेन्यू आपने सब देख लिया। स्टेशन रोड में है तो रात के टाइम बहुत भीड़ रहती है। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। कोई कमी लगी हो तो बताना, और आपको बरेली के कोई अच्छे फूड पॉइंट्स बताओ तो नीचे कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पे मेरे को बता सकते हो। उसके अलावा कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना, बाकी आई लव यू गाइस, बाय। COMMENT कमेंट करने का कोई रुपया नहीं लगता है। इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। बरेली का कल एक भैया का कमेंट आया था कि सरिताज कैफ़े का वीडियो बनाओ, तो मैंने उसको भी देखा है, कंसिडर करेंगे। अभी तो घर जाना होगा,
घर से आकर मैं वहाँ का भी वीडियो लाने वाला हूँ। तो और भी आपको कोई अच्छे फूड पॉइंट्स बरेली के पता हो तो मुझे बताना, बहुत जल्दी वीडियो आएगा। उसमें मैं एक मिनट पॉज कर दो भाई, फिर मिलेगा। क्या नाम है था, पॉज कर दो ज़रा। पटेल, उसमें ये मुझे खास लगा कि जो अच्छी बात ये थी उसकी क्या थी, और मिस्सी रोटी एक प्लेट खाई थी मिस्सी। हुई क्या हुई?